बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माई चैनल सोनिया टिप्स एंड ट्रिक्स। आज आपके साथ बहुत मज़े की, बड़े ही मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की है, जो टेस्टी भी है, लुक वाइज भी बड़ी खूबसूरत है, और आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये ऐसी रेसिपी है कि आप इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये रेडी की जा सकती है। घर में मेहमान आ जाए तो जल्दी से निकालो भी फ्रिज से, इनको फ्राई करो और चाय के साथ पेश करो। तो चलिए इस रेसिपी को, इससे पहले कि कुछ और देर हो जाए, तो रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ठीक है जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास मैंने एक कप मैदा लिया है, उसमें हाफ टेबल स्पून जाएगा नमक, और नमक ऐड करने के बाद मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा मैदा मैंने साइड पे रखा है और उसका मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा हुआ है, थोड़ा सा पतला सा बहलूल। अब इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से गूंथते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी इस आटे को, उतना पानी डाल के इसको हम मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करने के बाद इसकी डो रेडी करके एक साइड पे रख लेंगे। और इसमें से मैंने थोड़ा सा मैदा निकाल के उसमें पानी मिक्स करके उसका जो लिक्विड है वो रेडी करके रखा है, जो हमने बाइंडिंग के लिए रखना है वो मैंने साइड पे ऑलरेडी रख दिया है, वो दिखा नहीं पाई मैं, लेकिन मैंने रेडी करके रखा हुआ है। ये देखें, डो हमारी तैयार हो चुकी है, इसको एक साइड पर कर देंगे। अब एक पैन में मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच आएगा ज़ीरा, और 1 चम्मच आएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और सब्ज़ मिर्च जो है वो मैंने पहले से बारीक काट के रखी हुई थी वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से लेंगे, पका फ्राई कर लेंगे। और फाइनल फ्राई करने के बाद इसमें जो चिकन है वो छोटा छोटा क्यूब्स में काट के रखा हुआ है वो ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे, और इस ये फ्राई करने के बाद मैंने पहले से गाजर, शिमला मिर्च और प्याज जो है वो चॉप्ड स्लाइस में, बारीक स्लाइस में काट के रखा हुआ है, वो सब ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर लास्ट में हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। और इसमें मैंने जो है बारीक सेवइयाँ जो थी वो पहले से बारीक चॉप करके मैंने बिल्कुल बारीक बारीक करके रखी हुई हैं। ये देखें जी, इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, इसको कर लेंगे फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसमें जाएंगे तमाम मसाला जात। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, जितनी आपको ज़रूरत है, और 1/4 इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड की है, और इसमें 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च आएगी, और इसमें जाएगा चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच। चाट मसाला से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। अब इनको करने के बाद इनको फ्राई करना है, लास्ट में इसमें थोड़ी सी हल्दी है वो ऐड की है। अब इनको हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसको एक अलहदा बॉल में डाल के, तो हमने इसको ना ठंडा होने के लिए रखना है। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है केचप ऐड की है, और इसमें मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आपको पसंद है तो। अब इनको हमने ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख देना है, और इसके और जो मैंने आटा गूंद के रखा था उसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। ये देखें, बॉल बनाने के बाद हमने बिल्कुल इसकी पतली पतली सी रोटियां बनानी है, जैसे समोसा पट्टी रेडी होती है, सेम ऐसे ही ये समोसा पट्टी जो है, ये पट्टी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। फिर हम इसकी जो कोन है वो रेडी करेंगे। जो मैंने मैदे को पहले से मिक्सचर को पानी में डाल के उसका लिक्विड रेडी करके रखा हुआ था, उस सेवइयां भी मैंने बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके रखी हुई थी, बिल्कुल छोटी छोटी कर ली थी। ये देखें, अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच मायनीज ऐड करेंगे। मायनीज ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और जो रोटियां बना के रखी हैं इनको हम हल्का हल्का सा गर्म करेंगे, हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल लाइट, एक मिनट के लिए इसको पकाना है दोनों साइड से। और पकाने के बाद इनको साइड पे कर लेना है, और दरमियान में से इनको कट कर गया
कट करने के बाद ये देखिए हमारी पट्टी जो है रेडी हो चुकी है। अब जो मैंने मैदे का जो मिक्सचर था वो बना के रखा हुआ था, उसको दरमियान में लगाने के बाद ये देखें ऐसे हम इसको कोन की शक्ल शेप दे देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। और जो मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ है हमने वो इसमें हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद इसको मैदे में इसका जो बॉटम है इसको डिप करेंगे और उसके ऊपर ऐसे सेवइयां लगाएंगे। ये देखें कितनी खूबसूरत लुक है। और इनको ऐसे ही तमाम को रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद इसको साइड पर रख लेते हैं। तमाम कोन को तैयार करने के बाद बहुत खूबसूरत बहुत यम्मी है। प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। और इसको ये देखें अब इनको हम फ्राई करेंगे। तमाम जो है कोन तमाम स्नैक्स जो है हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल यूनिक स्टाइल के ये देखा ना स्नैक्स हैं। अब हम इनको गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद केचप के साथ मेयोनीज के साथ इसको करेंगे सर्व। तो मेरी इस रेसिपी को जो जो लोग देख रहे हैं और वो ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत अच्छी रेसिपी है, मज़े की रेसिपी है। और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नए कंटेंट के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपनी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।